हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग क्लास टेन की जो एन सी है इसकी चैप्टर नंबर फाइव अर्थमैटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे लेट्स सी क्वेश्चन 26 में क्या गिवन है इफ़ एस एन डी द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन ए पी प्रूव दैट एस ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री टाइम्स इन द ब्रैकेट एस एट माइनस एस फोर ठीक है यहाँ पे हमें गिवन है कि एस एन क्या है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स गिवन है तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ट्वेल्व टर्म्स का जो सम है दैट इज थ्राइस ऑफ डिफरेंस ऑफ एस एट माइनस एस फोर ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है ओके okay? तो फर्स्टली हमें पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई टू इन द्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी ओके okay, ये फॉर्मूला होता है तो इसकी हेल्प से हम फर्स्टली एस ट्वेल्व की वैल्यू निकाल लें ओके okay, तो एस ट्वेल्व की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेल्व अपॉन टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस यहाँ पे ट्वेल्व हो जाएगी एन की वैल्यू okay, तो ट्वेल्व माइनस वन करेंगे मीन्स इलेवन डी ओके तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेल्व अपॉन टू किया तो सिक्स वैल्यू हो गई एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा टू ए प्लस इलेवन डी तो यहाँ पे सिक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें ट्वेल्व ए प्लस सिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटी सिक्स डी ये हमें क्या मिली है एस ट्वेल्व की वैल्यू मिली है ठीक है देन हम लोग क्या करते हैं एस फोर एस एट की वैल्यू एंड एस फोर की वैल्यू निकाल करके उनको सप्रेड करके देख लेते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर एस एट की वैल्यू निकालेंगे एस एट की वैल्यू क्या हो जाएगी एट बाई टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस एट माइनस वन करेंगे मीन सेवन डी ओके एट अपॉन फोर किया एट अपॉन टू किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई फोर इन द ब्रैकेट टू ए प्लस सेवन डी देन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एट ए प्लस ट्वेंटी एट डी ये हमें वैल्यू मिली है एस एट की देन हम एस फोर की वैल्यू निकाल लेते हैं एस फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर बाई टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस फोर माइनस वन करेंगी मीन्स थ्री डी अब फोर अपॉन टू क्या है तो टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री डी हो जाएगा ठीक है टू को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो फोर ए प्लस सिक्स डी ये हमें वैल्यू किसकी मिलेगी एस फोर की वैल्यू मिलेगी ठीक है तो ये हमें एस फोर की वैल्यू मिली है एंड ये हमें एस एट की वैल्यू मिल रही है देन हम क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि एस एट माइनस एस फोर की वैल्यू क्या होगी तो एस एट माइनस एट एस फोर की वैल्यू हमें मिलेगी एट ए प्लस ट्वेंटी एट डी इसमें से हम माइनस कर रहे हैं किसको फोर ए और प्लस सिक्स डी को ठीक है जो हमें गिवेन था कि एस एट माइनस एस फोर निकालना है फर्स्टली तो हम ये निकाल के देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी एट ए प्लस ट्वेंटी एट डी माइनस फोर ए माइनस सिक्स डी ओके तो एट ए माइनस फोर ए तो वैल्यू क्या हमें क्या मिली फोर ए की मिली देन ट्वेंटी एट डी माइनस सिक्स डी करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी ट्वेंटी टू डी की मिलेगी, मिलेगी ठीक है तो एस एट माइनस एस फोर की वैल्यू हमें ये मिली है यहाँ पे अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर लें थ्राइस ऑफ एस एट माइनस एस फोर तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी थ्राइस ऑफ फोर ए प्लस ट्वेंटी टू डी हमने क्या किया एल एच एस आर एच एस दोनों में ही थ्री से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी ट्वेल्व ए प्लस सिक्सटी सिक्स डी की वैल्यू मिली है ठीक है तो यहाँ पे थ्राइस ऑफ एस एट माइनस एस फोर की वैल्यू हमें ये मिली है एंड दिस इज इक्वल टू एस ट्वेल्व क्योंकि एस ट्वेल्व की वैल्यू भी हमें यही सेम मिली थी ठीक है सो दिस इम्प्लाइज दैट की एस ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एस एट माइनस एस फोर सो हैंस प्रूव्ड ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज फाइंड सेवनटीन टर्म्स ऑफ एन ए पी हुन एंड माइनस थर्टी रेस्पेक्टिवली हमें फाइंड करना है सेवनटीन टर्म्स का सम ठीक जब है जबकि okay? तो हमें फोर टर्म की वैल्यू गिवन है एंड नाइन्थ टर्म की वैल्यू गिवन है ओके तो यहाँ पे ए फोर की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज माइनस फिफ्टीन एंड ए नाइन की वैल्यू गिवन है दैट इज़ माइनस थर्टी ठीक है अब हमें निकालना क्या है एस सेवेंटीन की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो एस सेवेंटीन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में फर्स्ट टर्म होना चाहिए एंड साथ में डिफरेंस भी होना चाहिए ओके तो यहाँ पे जो हमें गिवन है ए फोर की वैल्यू गिवन है यहाँ पे ए फोर को हम क्या ले सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी होता है इट मीन्स फोर माइनस वन मीन्स थ्री डी ठीक है तो ए प्लस थ्री डी की वैल्यू हमारे पास में गिवन है माइनस फिफ्टीन की इसी तरीके से ए नाइन की वैल्यू हमें गिवेन है जो कि है माइनस थर्टी और ए नाइन को हम क्या ले सकते हैं ए प्लस एट डी लिख सकते हैं ओके अब यहाँ पे हम इनको सब कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा माइनस का एंड देन प्लस का तो ये वैल्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई हमें वैल्यू क्या मिली फिफ्टीन की ठीक है दिस इज इक्वल टू माइनस फाइव और डी की वैल्यू हमें मिलेगी फिफ्टीन अपॉन माइनस फाइव इट मीन्स डी इज़ इक्वल टू माइनस थ्री ठीक है तो डी की वैल्यू हमें मिली है माइनस थ्री की अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर वन में यानी कि इस इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी अब यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज़ ए प्लस थ्री डी इज़ इक्वल टू माइनस फिफ्टीन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री इज़ इक्वल टू माइनस फिफ्टीन तो ए और माइनस नाइन दिस इज़ इक्वल टू माइनस फिफ्टीन तो ए की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस फिफ्टीन प्लस नाइन दिस इज़ इक्वल टू माइनस सिक्स ओके okay, तो ए की वैल्यू हमें मिली है माइनस सिक्स की ना अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू इन द ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी ओके अब इस फॉर्मूले से हम एस सेवनटीन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो एस सेवनटीन इज इक्वल टू सेवेंटीन बाई टू इन द ब्रैकेट टू इन माइनस सिक्स प्लस सेवनटीन माइनस वन करेंगे तो सिक्सटीन वैल्यू आएगी सिक्सटीन एंड डी की वैल्यू हमारे पास में है माइनस थ्री ही ओके okay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेवनटीन अपॉन टू माइनस ट्वेल्व एंड यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें माइनस फोर्टी एट ओके तो सेवेंटीन बाई टू मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है माइनस सिक्सटी की ठीक है इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे माइनस थर्टी वैल्यू मिली है सो एस सेवेंटीन की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस फाइव हंड्रेड टेन की जब हम सेवनटीन को थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव हंड्रेड टेन मिलेगा एंड माइनस साइन है हमारे पास में तो माइनस फाइव हंड्रेड टेन दिस इज़ द आंसर आई होप ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय